What's up guys, welcome back to the channel, welcome back to the another new vlog. I hope you guys are doing absolutely well. तो वापस अपने एजेंडे के निकल रहा अपने बगीरा. टाइम हो रहा है 12:25 एंड मैं निकल रहा हूँ अभी एक छोटे से 2-3 मीटिंग निपटाने के लिए. ऐसे छोटे नहीं है, बड़े हैं, सिर्फ ये बोलना बनता है छोटे मीटिंग्स है. तो फाइनली ये नई वाली चाबी है ना, बहुत परेशान कर रही है, तो इसको करते हैं ऑन पहले. यस, जिसको होने देते कोल्ड स्टार्ट एंड उसके बाद अपने निकलते अपनी मीटिंग्स ख़त्म करने के लिए. लेट हो रहा हूँ, ज़्यादा यहाँ पे ब्लॉग नहीं कर पाऊँगा, बट बाकी चलते हैं यहाँ से और आप लोगों को मिलूँगा डायरेक्टली बाहर रोड. सो गाइज, अभी अपन निकल चुके हैं घर से एंड अभी अपन चलेंगे अपनी मीटिंग्स ख़त्म करने के लिए. एक्चुअली मीटिंग्स 5-6 है, एक इंटरव्यू है, तो गाइस समझ लो कि क्या होगा. बाकी के 4 अपने खुद के पर्सनल मीटिंग्स है इवेंट के रिलेटेड एंड सारी चीज़ें मेरे को अभी खुद से देखनी है. और कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो लाइफ में सॉर्ट नहीं होने वाली है, अभी उसको टाइम होते होते ही सॉर्ट होना है. कुछ अभी ऐसी चीज़ें हुई है एंड लाइफ में भी कुछ ऐसा चल रहा है कि मैं सारी चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा शेयर नहीं कर पाऊँगा. बट चलो छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा. अभी का सीन ये है कि अभी सबसे पहले जाएंगे अपने एक मीटिंग के लिए, मीटिंग निपटाएंगे, उसके बाद अपने जाएंगे मेरे को इंटरव्यू देना जाना है तो उसके लिए जाएंगे. उसके बाद प्लान है कि मैं मिर्ज़ापुर जाऊं एंड अगर मेरी जो इंटरव्यू थोड़ा डिले हुआ तो फिर मैं जाऊँगा ना मिर्ज़ापुर पहले, उसके बाद मैं इंटरव्यू में जाऊँगा. मिर्ज़ापुर से बेसिकली मेरे को लेनी है विंडशील्ड एंड लेट्स सी कि कैसा रहता है क्या नहीं. बाकी के लिए बने रहिए व्लॉग में, पहले जाता हूँ इंटरव्यू ख़त्म करता हूँ, सारा सब कुछ देखता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ. जस्ट बिकॉज ऑफ कि भाई साहब लेट हो रहा है ज़्यादा और इट्स ऑलरेडी भाई साहब लेट हो गया. चलो निकलो, ये बाकी सब लोग विशेष हॉर्न बजा के दिमाग ख़राब कर देंगे. कोई बात नहीं, चलो जो होगा देखा जाएगा. अभी तो यहाँ से निकलते हैं एंड चलते हैं अपने इंटरव्यू क्लियर करेंगे, अपनी मीटिंग निपटाएंगे और मिर्ज़ापुर चलेंगे और बाकी का जो पसड़ पूरा रहता है मैं आप लोगों को बताऊंगा. बट पहले चलते हैं यहाँ से. हाँ जी, तो कैसे हो सब लोग? सो फाइनली अभी अपना मीटिंग हो चुका है ख़त्म एंड अभी अपने को इंटरव्यू के लिए जाना है 3 बजे, तो अपने पास अभी 1 घंटे का टाइम है. तो सोचा मिर्ज़ापुर चलते हैं, मिर्ज़ापुर जाके अपना सारा काम वाम निपटा लेते हैं और सारी चीज़ें भी कर देते हैं. अभी का सीन ये है कि मैंने कुछ चीज़ें सोच के रखी हुई थी, तो वो चीज़ें भी आज के दिन में हो जाएगी, तो दैट विल बी द बेस्ट फॉर मी. एंड कुछ आप लोगों से बातें भी करनी थी. तो गाइज, आजकल मैं देख रहा हूँ आप लोग सपोर्ट बहुत ज़्यादा ही कम दे रहे हो. मैं गाइज दिन में 2-2 व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और गाइज आप लोग है कि आप लोग सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो. यार ऐसा थोड़ी चलेगा यार, आपका भाई है, थोड़ा सपोर्ट तो बनता ही है. बाकी चलते इधर से मिर्ज़ापुर चलते हैं, मिर्ज़ापुर चल के देखते हैं भाई साहब कि अपने को जो चीज़ चाहिए वो है कि नहीं है. बाकी यहाँ से चलते हैं एंड मिर्ज़ापुर पे देखते हैं शमीम भाई ने अपने लिए क्या क्या चीज़ें रखी है. तो फाइनली पहुँच चुके हैं अपने शमीम भाई के पास. कैसे हो शमीम भाई? भाई कैसा चल रहा है? बस बढ़िया है. बढ़िया, आप सुनाओ, कौन सी दुनिया में? बड़े दिनों बाद मेरे को XYZ चाहिए. बाकी का वाइजर चाहिए? हाँ, लेना. हाँ, मैंने इमेज भेजा ना सर, इमेज भेजा था. हाँ, ब्लैक वाला चाहिए. 5 मिनट में करेंगे. ठीक है, तो बस इसके बारे में बातें करना है तो वो करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं. सो फाइनली गाइज, अभी टाइम हो रहा 2:02 एंड इतना टाइम से जिस चीज़ का इंतज़ार था XYZ का, वो आ चुका है विथ क्लैम्प्स. उसके क्लैम्प्स भी मैं आपको दिखाता हूँ, दिस आर दी क्लैम्प्स. एंड भाई साहब क्वालिटी तो बढ़िया है. अभी सीन ये है कि आगे जगह नहीं है सामने, तो जगह करेंगे, उसके बाद ड्यूक को लगाएंगे एंड सॉरी बगीरा को लगाएंगे एंड उसके बाद अपने लगाएंगे उसके ऊपर XYZ. और भाई साहब क्या ही लगेगी, बहुत ही बढ़िया. अभी के लिए
थोड़ा सामान वामान हटाना तो हटा था। शमीम भाई और एक वाइजर लेके आ रहे हो, ट्रांसपेरेंट, अगर ट्रांसपेरेंट जाएगा तो ट्रांसपेरेंट लगाएंगे, और ये ब्लैक वाला जाएगा तो ब्लैक वाला लगाएंगे, नॉट फॉर श्योर। तो अभी के लिए इतना ही, इसको थोड़ा करते हैं ठीक वीक, एंड उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ जब बाइक में लगाएंगे वाइजर। तो फाइनली लिविंग फ्रॉम हियर, चलिए शमीम भाई मिलते हैं, चलो डन, बाय बाय। तो भाई साहब अपना काम हो गया, वाइजर अभी नहीं लगवाया, वाइजर अभी अपने साथ में लेके जा रहे हैं, दिस इज द वाइजर। सो गाइज, यहाँ पे वाइज़र मैं नहीं लगवा रहा हूँ, क्योंकि उसका रीज़न है कि यहाँ पे शमीम भाई के पास यहाँ पे एक बंदा था, उसको थोड़ा बहुत आइडिया नहीं था। जो बंदा इसके शमीम भाई के यहाँ पे जो बंदा काम करता है शानू, वो अभी गया अपने गांव, तो मैंने कुछ भी रिस्क नहीं लिया। मेरे को पता था कि भाई साहब कोई नया बंदा गाड़ी को हाथ लगाएगा, मेरे को पसंद नहीं आएगा और फिर मैं बिगड़ जाऊंगा, तो वो मेरा भी दिन ख़राब करता और उसका भी करता, सो इट्स बेटर। एंड वैसे भी रमज़ान चल रहा है, तो मैं भाई साहब ज़्यादा सोचता नहीं हूँ किसी के, मतलब मेनली मुस्लिम अपने जो रहते हैं उन लोगों के साथ मैं ऐसा रखता हूँ, भाई साहब कम काम कराओ और उनसे उनकी जो रोज़े की जो दुआ लगती है वो अपने को भी लगती है, तो भाई साहब वो बहुत सारी चीज़ें रखने की। बाकी का सीन ये है कि अभी अपने चलेंगे अपने इंटरव्यू के लिए, टाइम हो चुका है, मैंने उन लोगों को बोला, उन्होंने बोला था कि आप 2 बजे से 3 बजे के बीच में कभी भी आ जाना, तो यहाँ पे थोड़ा लेट हो गया, तो मैंने सोचा चलो छोड़ो लेट चले जाएंगे, वहाँ पे भी 3 बजे का है। एंड उसके बाद वही जहाँ पे मैं, गाइस दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस और व्हाट, भगवान ने ऐसा चाहिए कि मेरे को जिस जगह पे इंटरव्यू देना जाना है ना भाई, उसके 10 जगह पे देना इंटरव्यू, एंड 10ों की 10 जगह ऐसी है कि एक बिल्डिंग छोड़ के एक बिल्डिंग है। लाइक अगर मैं ए ब्लॉक में रहता हूँ और मुझे जाना है सी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में एंड जी ब्लॉक में, मतलब इस हिसाब से है, मतलब आप लोग लेटर में मत जाना यार, बीच में थोड़ा सा गैप होगा, तो बट ऐसा ही है कि एक बिल्डिंग छोड़ के एक या 2 बिल्डिंग छोड़ के एक, ऐसे में ही मुझे जाना है एंड सब नज़दीक नज़दीक में है। तो भाई साहब अपने बाइक ज़्यादा चलाएंगे नहीं, अपने लिए बेनिफिट होगा, पेट्रोल उतना कम जलेगा। बाकी अभी का सीन ये है, अभी अपने चलेंगे और ये ट्रैफिक व्राफिक पूरा क्लियर करता है, एंड आगे की नंबर प्लेट भी नहीं है, पीछे की नहीं है, तो अगर आज पुलिस वाले ने पकड़ा ना भाई साहब तो चलान पक्के से पक्का है। बट कुछ करेंगे अपने, उसकी वजह से अपने ये थोड़ा बहुत हो जाएगा, बस पुलिस वाले से भाई साहब डरना चाहिए, भाई साहब दिक्कत वाला काम है। बाकी अपने को भी ये करेंगे कि आगे के लिए अपने नंबर प्लेट होल्डर लगवा लेंगे, पीछे के लिए भी अपने नंबर प्लेट की टेल आईडी मंगवा लेंगे और बाकी सारी चीज़ें करेंगे, बट अभी के लिए ये है कि अभी अपने चलेंगे एंड सारी चीज़ें निपटाएंगे आज के पूरे दिन की, और उसके बाद देखते हैं कि आज का सीन क्या रहता है। सो फाइनली अपन आ चुके हैं नीचे, एंड अभी भी जस्ट थोड़ी देर पहले घर पर आया, बाइक के लिए सारी चीज़ें लेकर आ गया, एंड भाई साहब ये है अपना विंडशील्ड। अभी एक चीज़ और है कि छोटा सा नुकसान हो गया, ये टूट गया रास्ते में, मैं जब आ रहा था तभी एक आंटी बीच में आई और मैंने ब्रेक मारी, पीछे से बुलेट वाला आया, टकरा के गया, साइड मिरर हिल गया, वो भी टूट गया, बहुत गंदा दिन गया भाई, मेरे को बिल्कुल भी ऐसा आइडिया नहीं था। और भी मेरे 2-3 चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें आज हो गई, और 2 दिन झगड़े भी हो गए यार बिन फालतू के ऑफिस के। छोड़ो, एट द एंड ऑफ द डे अपने अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन करेंगे, अपना दिन अच्छा जाएगा इसी की वजह से ही। काफ़ी टाइम से इसको ढूंढ रहा था, इसको ढूंढ रहा था, फाइनली अभी वो हो चुका है, तो फाइनली इसका काम करते चालू। बीच में जय आने वाला है तो जय की भी हेल्प लेंगे, बाकी सारी भी चीज़ें हैं तो वो भी करेंगे साथ में, एंड इसको करते हैं मॉडिफाई। सो फाइनली अभी रात हो चुकी है, पूरा ट्राई किया इसको सेट करने का क्लैंप्स के साथ, बट हुआ नहीं। अजय भाई आए, जय आए, सूरत से मंगवाए मेरे को भी, सूरत से आया, बट कैसे भी करके इसमें हुआ नहीं। इसके एक इसमें सीन क्या है कि इसमें एक्सटेंशन लगेगा और बोल्ट भी लंबा लगेगा, और दोनों में से एक भी नहीं है। मेरा काम हो गया, मैंने स्क्रीन बदल, विंडस्क्रीन चेंज कर दी है, अभी पूरा ब्लैक आ रहा है, लाइट आ रहा है, कुछ आ रहा है मेरे को, जब सारा दिख रहा है, सब दिख रहा है, डोंट वरी, सब दिख रहा है, मैं काला नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसको रखेंगे घर पे और फिर कहीं पे बाहर जाएंगे, बहुत टाइम हो गया, बाहर नहीं जाएंगे, मैं जा रहा हूँ घर पे, नहीं कोई घर पे नहीं जा रहा, नहीं, जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, बताता हूँ कहाँ पे जा रहे हैं वो बताऊंगा, बट अभी पहले इसको ऊपर रखते हैं, फिर देखते कहाँ जाएंगे। सो निकल रहे हैं अपने, एंड ये
किसी को पता नहीं है, बट ये जहाँ से मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ ना भाई, वहाँ से मेरा घर कम से कम 2-3 किलोमीटर तो होगा ही होगा। और मैं यहाँ पे आके चालू करता तो बहुत लोगों को ये लगता है कि मेरा घर यहीं पे है। भाई साहब मेरा घर वहाँ पे नहीं है, सो ऐसा मत सोचना। और वो जो 2-2.5 किलोमीटर है ना भाई, वो जैसे जैसे 2-2.5 किलोमीटर नहीं है भाई, वो 2-2.5 किलोमीटर ऐसे कि जहाँ पे आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा ही मिलेगा। और उसी की वजह से मेरी बाइक भी गर्म होती है। इसकी वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे व्लॉग्स पे मत जाइए करिए। मैं व्लॉग्स में बहुत कम चीज़ें दिखाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब मैं कुछ भी रहता है। बाकी अभी अपना जा रहे चिराग के पास, और जो कुछ भी होगा वो वहीं पे जाके करेंगे। तो यहाँ पे भी आ गया सिग्नल, तो सिग्नल विग्नल ख़त्म करते हैं और चलते हैं सीआर को मिलने के लिए। मिल पड़ा सारी। तो भाई अभी अपन निकल रहे थे, चलो बाय बाय मिलते हैं। यही होते हैं दोस्तों की बीच की छुट्टियाँ बंदी। सो सब लोगों से नहीं मिलवा पाया क्योंकि सब लोग मस्ती मजाक के मूड में थे, बहुत मस्ती मजाक किया। एंड आपने अभी जो जैमी ने लास्ट चीज़ बोली, तेरा दिन भारी है, तो यस गाइस आज का दिन वाकई में मेरे लिए भारी है। काम करना काज का दुश्मन अनाज का बहनचोद, मेरे को गाली नहीं देनी होती ना, बट फिर भी यार ये कुछ लोग कांड ऐसे करते हैं ना कि मेरे को बिल्कुल भी मजा नहीं था। बिन फालतू का 1000-1500 का नुकसान हो गया, वो पैडल टूटा वो टूटा, साथ में आगे का क्रैश गार्ड वो भी टूटा। उसके अलावा सबसे मेन चीज़ हुई वो हुई पुलिस वाले के साथ बबाल, मतलब बबाल इन द सेंस कि मैं और जय अजय दोनों वहाँ से निकले, आधे रास्ते पहुँचे। एंड उसके बाद सीन ये हुआ कि मैं आगे निकल गया, अजय पीछे था, तो मैं अजय का वेट करने के लिए मैं रुका, तो पीछे से एक बाइक आई आगे रुक गई, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कुछ आंसर नहीं किया, वो आगे चले गए। फिर अजय आया, हम लोग आगे निकले, तो बाइक वहीं पे खड़ी थी, तो वह बाइक ने वहीं पे रुकी, हमको देखा। फिर अजय जैसे ही आगे गया वैसे ही वो बंदा मेरे बाजू में आया और बोलता है साइड में लगा साइड में लगा। वो मैंने बोला कि भाई ऐसा तो क्यों बोल रहा है साइड में लगा साइड में लगा। तो जो देखा वो मैंने लिखा हुआ था पुलिस, तो मैंने बोला भाई साहब लग गए। तो उन्होंने मेरा सारी चीज़ें मांगी, बाइक के डॉक्यूमेंट्स मांगे, सबसे मेन चीज़ मांगी उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस, PUC, इंश्योरेंस और RC बुक। सारी चीज़ें नो डाउट मेरे पास थी बट फिज़िकली प्रेजेंट नहीं थी। तो सबसे पहला चीज़ ये हुआ कि उन्होंने मैंने उनको अपना लाइसेंस जो था डिजी लॉकर एम परिवहन में मैंने वो दिखा दिया। आफ्टर दैट बाकी सारी चीज़ें, RC बुक भी मैंने उन लोगों को डिजी लॉकर में से गाड़ी नंबर दिखा दिया, बट अपने आगे की और पीछे की दोनों की नंबर प्लेट नहीं थी। तो जो नंबर प्लेट नहीं थी उसका रीज़न भी आप लोगों को बताइए कि क्या हुआ कैसे हुआ, और ये बंदा बहुत पीछे से, और मारा जाना दो इसको। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा चालान काटने की ट्राई की बिन फालतू का। मैंने बोला सर प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप ये मत कीजिए, मेरा जेन्यून रीज़न है, मेरे को कुछ शौक नहीं है कि भाई साहब मैं बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाऊँ। तो उसके बाद मैंने 15-20 मिनट 25 मिनट कन्विंस किया, फिर भी वो नहीं माना। आफ्टर द एंड मैंने अपना उन्होंने बोला अपना लाइसेंस फिजिकली प्रेजेंट करो ही करो। मैंने बोला मेरे पास फिजिकल लाइसेंस नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा वॉलेट खो गया है। तो बोला कि प्रूफ दिखाओ। तो आप लोगों को बताइए कि वॉलेट खो जाता है तो हम लोग एक नॉर्मल पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। तो मैंने वो पुलिस कंप्लेंट का फ़ोटो उनको दिखा, मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाऊँगा, उसमें मेरी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, मैंने वो दिखाया। उसके बाद जो मैंने दिखाया वो दिखाया मैंने उन लोगों को, मेरा जो DL लाइसेंस हो गया उसके लिए हम लोगों को एप्लीकेशन नंबर आता है, वो मैंने एप्लीकेशन नंबर दिखाया। आफ्टर दैट वो चीज़ उन लोगों ने समझी, एंड फिर भी वो लोग एक ही चीज़ पर अड़क गए कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। मैंने बोला कि सर सी दिस कि मेरी गाड़ी का क्या दिक्कत है, पैडल स्टैंड टूटा हुआ है आगे का प्लस साथ में आगे का। तो बोला आपकी गाड़ी पे स्क्रैच नहीं। मैंने बोला सर ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है कि गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो बाइक पे स्क्रैचेस आने ही आने हैं। फिर मैंने बोल फिर बातें हुई 15-20 मिनट हुई और फिर आपके बाइक का दिमाग घूमा। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, नॉर्मली मैंने हमारे एक रिलेटिव है उनसे मैंने बात करवाया, उन्होंने सारे जेन्युइन रीजन समझाए। उसके बाद उन लोगों ने बोला ठीक है आप अभी जा सकते हो, बट मेरी जगह पे कोई और होता तो उसका चालान काटते ही काटता। अच्छा था मेरे पास कि भाई मैंने रिलेटिव की पहचान थी, अगर नहीं होती तो क्या होता, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी ही रखती है। बट एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ अच्छा रहा,
अभी आज के इंटरव्यूज भी बहुत सारे अच्छे गए एंड आई होप कि अपना कहीं ना कहीं तो अच्छे से हो ही जाएगा, क्योंकि सारे इंटरव्यूज तो अपन ने क्लियर कर दिया है, सिर्फ ऑफर लेटर आने की देरी है। ऑफर लेटर आते ही अपने देख लेंगे अपना। बाकी आज का जो ये व्लॉग है वो अपने यहीं तक रखते हैं। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया, पसंद आया तो डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और पुराने हो तो आप लोगों को टिल पता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी आप सब लोगों को मिलूंगा मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, बी सेफ, राइड सेफ, स्टे फिट, सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट व्लॉग। साइनिंग ऑफ दिशांत।